मैं हूँ प्रोफेसर नेहा शर्मा और आप सबका स्वागत है इंडिया साइंस थिएटर के एक ब्रांड न्यू शो में जिसका नाम है मगजमारी। डरिए मत, आप ही लोगों की तरह, आई मीन मोस्ट ऑफ यू गाइस, आई एम ऑल्सो समबडी हु डज नॉट कम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। मैं कॉमर्स और मैनेजमेंट की प्रोफेसर हूँ, लेकिन काफी सारे साइंटिस्ट जो हमारे देश में काम करते हैं, काफी सारे प्रोफेसर जो साइंस फील्ड में हैं, मेरे दोस्त हैं, तो उनसे अक्सर बातचीत करते हैं, प्लस मेरी इंडिया साइंस थिएटर की टीम के साथ इंटरेक्शन होता है। सो मुझे काफी क्यूरियोसिटी है साइंस के बारे में, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फिनोमेना मुझे पता पड़ते हैं इन लोगों से बात करने के बाद में। ओ तो यूनिवर्स में काफी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिसके बारे में मुझे लगा कि यार ये तो मैजिकल है, तो क्यों नहीं इनके बारे में थोड़ा इजी लैंग्वेज में जाना जाए। तो मैंने अपने दोस्त डॉक्टर आशीष अरोड़ा को रिक्वेस्ट किया कि आप आए, थोड़ा टाइम हमारे साथ बिताएं, ये शो बनाएं जहाँ पे हम कुछ टॉपिक्स के बारे में जो यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन हमें देंगे हम मगजमारी करेंगे, राइट? सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गो टू डॉक्टर आशीष अरोड़ा। हाय आश। हाय नेहा, थैंक्स फॉर सजेस्टिंग द आइडिया ऑफ दिस शो। तो इंडिया साइंस थिएटर की टीम जो है बहुत कुछ नए नए आइडियाज लाती रहती है। इस बार ये आपका आइडिया था। तो नेहा हमारे साथ काफी महीनों से जुड़ी हुई है और क्विज कंपटीशन वगैरह भी खेलती है। तो इस बार ये आइडिया नेहा ने दिया कि हर एक एक एपिसोड बनाएंगे और हर एपिसोड में टॉपिक होगा, कोई ना कोई मेरी चॉइस का होगा, वो उस पर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। मगर तो आज का टॉपिक पता है नेहा? अरे आशीष, मैं आपको कब से पूछ रही थी, गाइज यू वोंट बिलीव, मैं इस शूटिंग के पहले से आश को पूछ रही थी कि बताओ कौन सी चीज पे हम बात करने वाले हैं, किस चीज पे मगजमारी होगी फर्स्ट एपिसोड में, और ही केप्ट सेइंग नथिंग नथिंग। आर यू गोइंग टू अरे टेल मी एटलीस्ट नाउ कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं? अरे, मैं पहले भी तुम्हें झूठ थोड़ी बोल रहा था। वी आर गोइंग टू डिस्कस नथिंग इन दिस एपिसोड। आई डोंट अंडरस्टैंड नाउ। ओके, लेट मी मेक इट क्लियर। क्योंकि ओके पहली एपिसोड है तो मैंने सोचा सबसे पहले शुरुआत करते हैं हाउ टू डिफाइन नथिंग। ओके, ओके नथिंग से मतलब यह है कुछ ऐसी जगह जैसे जहां पर कुछ भी ना हो। क्योंकि हम साइंटिफिक पर्सपेक्टिव की बात करेंगे, क्या हम इस यूनिवर्स में कोई ऐसी जगह खोज सकते हैं जहां पर कुछ भी ना हो? इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके चलो मैं एग्जांपल देता हूं तुम्हें। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इस क्वेश्चन ने बहुत सदियों से बहुत सारे फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट उलझा के रखा है इन सबको। आज भी हम लोगों को ये सब चीजें समझने में बड़ी दिक्कत होती है। मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। चलो मान लो तुम एक नया घर खरीदती हो। ठीक है, औकात नहीं है मेरी पर सोचने में, क्या जाता चलो कभी ना कभी तो आई होप खरीदोगी। सो। सोचने में क्या जाता है, अच्छी चीज हाँ मिले तो। उस घर में मान लो तुम कुछ नहीं रखती हो, राइट, कोई फर्नीचर नहीं है, कुछ नहीं है, तो उस घर में क्या है? हाँ, नथिंग। पर हवा तो है ना। हाँ हवा है, तो कुछ तो है, ऐसा तो नहीं है कि नथिंग है। इसी तरह तुम अगर उस घर की विंडो खोल दो, लाइट भी आएगी उसमें। तो लाइट भी है। लाइट के पार्टिकल होते हैं जिनको फोटोन बोलते हैं। ओ अच्छा। हाँ, तो वो भी है कि नहीं? हाँ इसलिए नथिंग जो तुम बोल रही हो वो कमरे में ऐसा नहीं। ठीक, एक्चुअली हवा इतनी ज्यादा है उस कमरे में। इस चीज को सोचो कि अगर मान लो उस कमरे का तुम 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम लो, 1 मीटर इस तरफ, 1 मीटर इस तरफ, 1 मीटर अंदर, इतने वॉल्यूम में 10^25 पार्टिकल्स हैं हवा के। 10^25 मॉलिक्यूल्स। 10 क्या ओके, क्या टेन यूनिट बोला रेस्ट टू आपने? पावर 25। ये इसको, इसका एक नाम भी है, इसको 10 सेप्टिलियन बोलते हैं। क्योंकि 10^24 एक सेप्टिलियन होता है। एक सेकेंड, पॉइंट ये है कि हमारे यूनिवर्स में जितने तारे हैं ना, ये उससे भी 1000 गुना ज्यादा है। तो ये काफी बड़ा नंबर है, मतलब बहुत बड़ा नंबर है ये। मतलब कि वाह तुम ये सोचो जो तुम बोल रही हो कि नथिंग कमरे में, बहुत कुछ है वहां पे, इनफैक्ट अगर बोलते हैं वहां ओवरक्राउडेड है। तो यूनिवर्स के तारों से ज्यादा भी पार्टिकल है वहां पर। राइट हाँ? और दूसरी बात, पार्टिकल मैंने बोला लाइट के पार्टिकल आ रहे हैं, फोटॉन्स, वो भी तो हैं। तो पहले चलो हम नथिंग की अगर डिफाइन करना है तुमने ना, तो इस हवा को पहले खींचना शुरू करते हैं बाहर। ये कैसे कर सकते हैं? तो एक डिवाइस होता है वैक्यूम पंप, जैसा पता हमारे है? घर हाँ, में वैक्यूम क्लीनर होता है। जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है ना, उसमें हाँ मतलब कि अगर तुम आगे हाथ रख दो तो हाथ पीछे को खींचता है ना, वो सक करता है, वो हवा खींच रहा होता है। उसी अच्छा तरह का एक बहुत हाई एंड डिवाइस जो सबसे ज्यादा बढ़िया फिजिक्स की लैब में जो वैक्यूम पंप बना है ना, अगर तुम वो वाला डिवाइस भी इस 1 मीटर क्यूब को लगा दो, हवा खींच लो उसकी, फिर भी वहां पे 10 अरब पार्टिकल बच जाएंगे।
ये तो बहुत ज्यादा है, मतलब ये पार्टिकल बहुत ज्यादा टाइनी है, राइट? हाँ, ये पार्टिकल बहुत टाइनी है और इनको वहां से बाहर निकालना बड़ा मुश्किल है। सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी भी अगर जो डेवलप है उसको यूज करके भी 10 अरब पार्टिकल फिर भी बच ही निकल, जाएंगे। तो तुम नथिंग तो कैसे, फिर तो नथिंग तो अचीव ही नहीं कर पाई अर्थ के ऊपर फिर। हाँ एग्जैक्टली मतलब जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं कि जब तक कोई चीज हमें दिखाई दे रही है वी से ये आधे अरे समथिंग, पर जब कुछ दिखाई ना हाँ दे फील ना हो तो वी से कि ठीक है देयर इज नथिंग। नो, ये वैसे तुमने बहुत अच्छा एक पॉइंट रेज किया, इससे मुझे याद आया कि मान लो एक ग्लास का पेन, विंडो पेन है, विंडो के पर एक ग्लास लगा हुआ है, वो तुम्हें अगर नजर नहीं आ रहा है तुम बोलोगे कुछ नहीं है वहां पे, पर करेक्ट, अगर टच करोगे तो वहां पे लगेगा कि हाँ कुछ है। हाँ या तो टच करो या तो सर फोड़ो, हुआ है मेरे साथ, तभी पता पड़ा मुझे कि यहाँ कुछ था। वो नेहा का स्टाइल है हाँ यार क्या कुछ करने का कि वहां पे कुछ है या है, नहीं। आई मैं नो हाथ यूज कर लेता हूँ। वाइज तो यही पॉइंट है कि जिस तरह से हम ह्यूमंस किसी चीज को परसीव करते हैं, हमारी सेंसेस को यूज करके हम फिर उससे डिफाइन करते हैं कि वहां पर कुछ है या नहीं है। पर अगर हम उसको फील नहीं करवा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वहां कुछ नहीं है, कुछ तो है। जैसे यहाँ पे हवा की बात की, अब मान लो तुम्हें नथिंग अगर सीखना है, इफ यू वॉन्ट टू लर्न नथिंग, तो तुम्हें पता क्या करना पड़ेगा? दुनिया बोलो। छोड़ दो। ये तो आपने एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल पे ना मैं कह भी नहीं सकती, जिंदगी तो खत्म करने की बात कर रहे हो क्या, दुनिया छोड़ दो यार, अभी मेरी उम्र ही क्या है, थोड़े एपिसोड 100 बना लेते हैं ये वो पाकिस्तानी क्रिकेट जब वो मैच हारी थी टीम, उसका वाला मीम है ना ये। वाले के वीडियो बहुत पॉपुलर है। आई नो इस वक्त बारे में बदल दिया, जिस बात बदल दी है जिंदगी बदल दुनिया छोड़ना मतलब दी। नहीं, पर सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, इफ यू वांट टू लर्न नथिंग, गो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एंड एटमोस्फियर से बाहर चले जाओ, स्पेस में चले जाओ। ठीक है। तो स्पेस में अगर जाओगे ना, अर्थ का एटमोस्फियर जहां खत्म हो गया, फिर भी तुम्हें वहां पे कुछ 1 करोड़ पार्टिकल 1 मीटर क्यूब में मिलने वाले हैं। वाह, तो मतलब हम जहां भी जितना भी डिस्टेंस पे जा रहे हैं अर्थ से, हम उतनी ही वॉल्यूम की बात कर रहे हैं अभी इस एग्जांपल में, राइट? हाँ, उतने वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, और अभी हम कितना ऊंचा गए हैं, सिर्फ अर्थ के एटमोस्फियर के बाहर गए हैं, इंटरप्लेनेटरी स्पेस में गए हैं जहां पर प्लैनेट्स हैं। अब जब प्लैनेट्स बनते हैं तो वहां डस्ट भी होती है, वहां गैसेस भी होती हैं, है ना? तो यस इसलिए इंटरप्लेनेटरी स्पेस में फिर भी 1 करोड़ पार्टिकल्स 1 मीटर क्यूब में मिलने वाले हैं। तो अभी यार, अगर रिलेटिव्स की तरह लग रहे हैं, एक बार आ गए तो जाने का नाम ही नहीं लेंगे। बड़ा मुश्किल है इनको निकालना, नथिंग ढूंढना बड़ा मुश्किल है। उसके बाद चलो, उसके बाद हम आगे और चलते हैं कि अगर तुम्हें इंटरप्लेनेटरी स्पेस से आगे भी जाना है, अगर देखना है कि वहां पे अगर तुम्हारे पार्टिकल कम होते हैं, तो इंटर स्टेलर स्पेस में जाओ। इंटरस्टेलर स्पेस मतलब तारों के बीच की जगह। मतलब मैं कैसे जाऊं नहीं, ऐश वहां पे, कौन सी बस जाती है, इतना खर्च मैं कहाँ से करूं, क्या गूगल मैप से मुझे पता चलेगा? अब तो मतलब ये एग्जांपल, दिस इज अ रियल मगन मारी हम खेलने वाले। तो देखो, इंटरस्टेलर स्पेस में जाना है तो अभी तक टेक्नोलॉजी नहीं है, इंटरप्लेनेटरी स्पेस में जाना है तो एलन मस्क तुम्हें ले जाएगा, नासा भी ले यार उससे जाएगा। कौन दोस्ती करेगा मतलब। कर लोगी। चलो आगे चलते हैं, इंटरस्टेलर स्पेस में चले गए, जब वहां पे भी एक्चुअली तुम्हें 5 लाख पार्टिकल 1 मीटर क्यूब में मिलने वाले वाओ दैट इज स्टिल अ बिग नंबर, एक तो हैं। सिंगल में, बट 5 लाख इज स्टिल वेरी मच, राइट? तो ऑब्वियसली इंटरस्टेलर स्पेस में डस्ट होता है, क्लाउड्स होते हैं, गैस के क्लाउड होते हैं जिनसे स्टार्स बनते हैं ना, इसलिए वहां पे वो बचा खुचा अभी भी मटेरियल बचा है। तो एक काम करते हैं, इंटरस्टेलर स्पेस से आगे क्या आता है? नो आइडिया। इंटरगैलेक्टिक स्पेस। वाओ हमारी गैलेक्सी है, क्यों, कौन सी है? हाँ, मिल्की वे, मिल्की वे। मिल्की वे से एक और गैलेक्सी है हमारे बाजू में, मिल्की वे जैसी स्पाइरल गैलेक्सी, जिसका नाम है एंड्रोमेडा। ओके एंड्रोमेडा नजर आती है, बाइनोकुलर से नजर आ जाती है, कभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा अगर मिलोगी कभी। हाँ, तो मिल्की वे और एंड्रोमेडा के बीच में अगर जाएंगे ना, तो तुम्हें इंटरगैलेक्टिक स्पेस में बड़े कम पार्टिकल मिलेंगे, 1 मीटर क्यूब में 1 या 2 पार्टिकल्स ही मिलेंगे। अच्छा ये बहुत कम हो गया, बट फिर भी देयर इज स्टिल समथिंग, ये तो जा ही नहीं रहे हैं, क्या There is करते still हैं हम? something. It's not possible to find nothing in this universe. इसलिए बोलते हैं nothing is impossible. करेक्ट, नहीं, पर अगर मान लो ये तुम एक तो जो पार्टिकल बचे 1 मीटर क्यूब में उनको भी निकाल दो कैसे, तो करके हाँ, फिर भी तुम्हारे पास ये जो परफेक्ट वैक्यूम आ गया ना, तो उस वैक्यूम में भी पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं और फिर से वैक्यूम में समा जाते हैं, पता है ये तुम्हें?
नहीं बिल्कुल भी नहीं। इनको वर्चुअल पार्टिकल्स बोलते हैं। वर्चुअल कैसे? हाँ, एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स की एक एक प्रिंसिपल है क्वांटम मैकेनिक्स का, जिसको ओके हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलते हैं। हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से तुम्हारे ये पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स वैक्यूम से ही पैदा हो सकते हैं और वैक्यूम में ही जा सकते हैं बहुत छोटे टाइम के लिए। हम लेकिन कुछ दिनों पहले डिस्कशन कर रहे थे, यू रिमेम्बर, हाइजेनबर्ग का नाम आया था। आई थिंक ही वाज द वन जिसे हिटलर ने रिस्पांसिबिलिटी दी थी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू टू मेक एटॉमिक बॉम्ब फॉर जर्मनी, राइट? जर्मनी दिस इज का द सेम एटॉमिक पर्सन। वेपन, जर्मनी का एटॉमिक वेपन का उसने हाइजरबर्ग ने बना के नहीं दिया था। हाइजरबर्ग ने, जब वो चाहता था कि हिटलर के हाथ में बॉम्ब ओ गाइस, ना देखा, इन लोगों के साथ रह करके मुझे भी थोड़ा बहुत ज्ञान है, सो थैंक्स ऐश, बिकॉज़ ऑफ यू आई डोंट फील सो डम। समथिंग थैंक्स टू आवर होल टीम। आई नो अबाउट इट ऑल। ना, हमारे फील्ड में ही हम थोड़े बहुत जानते हैं, तुम्हारे फील्ड में हम डम है। डोंट वरी। एनीवे, तो अभी जब वर्चुअल पार्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे परफेक्ट वैक्यूम में और वो फिर से वैक्यूम में समा भी जाएंगे, हाँ, तो इसका मतलब ये परफेक्ट वैक्यूम में भी कुछ है। इसको वैक्यूम फ्लक्चुएशंस भी बोलते ओके हैं। वैक्यूम की भी एक एनर्जी होती है खुद की। तो ये बड़ी वो मतलब कि परेशान करने वाली चीज है, हम लोगों को भी ये समझने में बड़ी मुश्किल होती है। तो पॉइंट ये है कि इस यूनिवर्स में अगर तुम्हें नथिंग सीखना है, यू कैन नॉट डू दैट, यू कांट अंडरस्टैंड नथिंग। इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड नथिंग, गो आउट ऑफ दिस यूनिवर्स। आई नो, विच इज जस्ट वेरी चीप। आई मीन, यहाँ से 10 रुपए का ऑटो लिया एंड आई विल बी देयर, सो आई होप हम सब इस एपिसोड के बाद समझ ही जाएंगे। मल्टीवर्स की एक थ्योरी है ना, जो तो इंटर यूनिवर्सल स्पेस में जाओ, वहां पे इनफैक्ट स्पेस को ही डिफाइन नहीं कर सकते, वहां टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करता यूनिवर्स से बाहर, वहां फिजिक्स के लॉज ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो दैट कुड बी अनथिंग। वहां पे हम चलते हैं फ्राइडे नाइट सब लोग, और वहां पे जा करके रुक ही जाएंगे, वीकेंड खत्म नहीं होगा क्योंकि टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट? टाइम। इमेजिन। हाँ, इसीलिए तुम इस शो में एंकर हो, दर्शकों को ऐसे ऐसे आइडियाज देने आई एम वन ऑफ देम। के लिए। चलो ठीक है, फिर अभी आज की एपिसोड की मगजमारी नथिंग पे खत्म करते हैं। अगली एपिसोड में फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ये बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत इंटरेस्टिंग था आयशा, थैंक यू सो मच। सो बाय थैंक यू। गाइस, लेट्स मीट नेक्स्ट टाइम। बाय बाय बाय। नेहा।